आज ये प्रेस वार्ता कनक पैलेस में रखी गई है महासभा के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य है 31 मार्च 2022 को जनपद आगरा में परिषदीय शिक्षकों के जो शिक्षक प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक के पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे जनपद आगरा में कुल 51 शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी को महासभा के मंच पर सामूहिक रूप से उनको सम्मानित करने का काम महासभा करने जा रही है कल, जिसकी सूचना विधिवत रूप से हम सभी को दी गई है। इसके साथ साथ जो समाज के मेधावी छात्र हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल अपना स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को उनके माता पिता को भी महासभा सम्मान करने जा रही है, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि प्रतिभा की कहीं भी दबाया नहीं जा सकता। प्रतिभा को जिसके अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और उस सम्मान जब होगा तो समाज में और बच्चों को भी उससे, अन्य माता पिता को भी उससे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने बच्चों को इसमें प्रतियोगिता में उनकी तैयारी कर अच्छे से कराएं और उनकी सहभागिता कराएं और अपना मुकाम हासिल कराएं। आज जो हमने प्रेस वार्ता की है वो बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जो 13 तारीख को हम लोग शैक्षिक संगोष्ठी और सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का सम्मान करने जा रहे हैं, उसके सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे हैं। सभी जो 51 टीचर हैं जो सेवानिवृत्त हुए 31 मार्च को, उनको एक ही मंच पर हम सम्मान देने का काम करने जा रहे हैं हमारी महासभा द्वारा, और जो मेधावी छात्र हैं जो शिक्षकों के बच्चे हैं उनको भी हम माता पिता को सम्मान देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसी के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। धन्यवाद। मातृवैश भवन पचकियाँ, और मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी अध्यापकों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कल 3 बजे से 7 बजे तक मातृवैश भवन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और आप सभी लोग आए। कल मातृवैश्य सभागार में पचकियाँ में यह शिक्षक सम्मान समारोह और शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से बेबी रानी मौर्य जी को आमंत्रित किया गया है और साथ ही धर्मपाल सिंह जी को आमंत्रित किया गया है, और हमारे डीसी शिक्षा विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं बीएसए साहब को भी आमंत्रित किया गया है। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे मैं क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।